यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो हम अपने मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भी 5 साल में डबल करने वाले हैं। इस प्रकार से विकास के मामले में मध्य प्रदेश देश का नंबर वन राज्य बने, इस प्रयास में हम लगे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे हमारे अपने सारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी अपनी चिंता करके आ रहे हैं, हमने सबने कोशिश की है कि मध्य प्रदेश को एक नए रूप में भी लाना है, और जहाँ तक अभी हम चले थे उससे और आगे डबल स्थिति पाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में विकास के इसी क्रम को हम जारी रखेंगे। बहुत धन्यवाद। मेरी आज की चर्चा में एक सकारात्मक पक्ष ये रहा कि कांग्रेस के मित्र भी ये कह रहे हैं कि हम बराबरी से सहयोग करेंगे विकास के मामले में, हमारे अपने मध्य प्रदेश के विकास में हम कदम से कदम मिलकर चलाना चाहते हैं। हमने भी कहा कि अच्छी बात है, मध्य प्रदेश की सरकार सदैव सभी इसे सकारात्मक सुझाव का स्वागत करती है, और हम सकारात्मक पक्ष को लेकर चलना भी चाहते हैं। हम अपने अपने दलों की सीमा में, अपने दलों के एजेंडे के आधार पर जहाँ जो बात रखना वो बात जरूर रखो, लेकिन विकास के मामले में सरकार सबको लेके साथ चलना चाहती है, ये हमारी नीति भी है और ये हमारा अपना यशस्वी प्रधानमंत्री का दिया गया मार्गदर्शन भी है। तो देखिए, आप सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, और जो मीटिंग बुलाई गई है, इस मीटिंग में जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके साथ बातचीत हो रही है, और आज उमंग सिंघार के नेतृत्व में तमाम जो कांग्रेस विधायक हैं ये पहुंचे हुए हैं और तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है उस बैठक की, जब ये लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि जो सुझाव मांगे गए हैं वो उनसे नहीं मांगे गए हैं बल्कि सिर्फ बीजेपी विधायकों से मांगे गए हैं, और इसके बाद से तमाम ये मुद्दा चर्चा में रहा है। लेकिन अभी ये बैठक अब बुलाई गई है जब कांग्रेस के तमाम विधायक पहुंचे हुए हैं सीएम से मुलाकात करने के लिए, और प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर, विकास के मुद्दों को लेकर, योजनाओं को लेकर चर्चा हो रही है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं भोपाल से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इस दौरान लंबे समय से ये मांग थी कि उन्हें बैठक के लिए बुलाया जाए, और आज का दिन तय हुआ था जब बैठक में तमाम कांग्रेस विधायक शामिल हैं, और इस दौरान क्षेत्र के विकास को लेकर, योजनाओं को लेकर, तमाम जो अभी मौजूदा मुद्दे हैं उसको लेकर बातचीत हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।